अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, मैं हूँ आयशा और आप देख रहे हैं एक ही कुकी एंड ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आज हम बनाने जा रहे हैं अचारी गोश्त। अचारी गोश्त बनाने के लिए हम पहले मटन को मैरिनेट करेंगे। इसके लिए हमें चाहिए आधा किलो गोश्त, विद और विदाउट बोन्स आपकी मर्ज़ी, 1.5 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 चम्मच 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी और 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब हम इन सब को मटन के साथ मिक्स करेंगे। मैंने अपने हाथ धो लिए हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको 1 से 2 घंटे के लिए ढककर रख देंगे। अब तड़के के लिए हम लेंगे 12 से 15 करी पत्ते, 2 बे लीव्स, 3 से 4 सूखे लाल मिर्च, आप चाहें तो 2-3 ग्रीन चिलीज भी डाल सकते हैं, हमारे यहाँ इसको ज़्यादा स्पाइसी नहीं पसंद करते। 1 से 1.5 चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच टीस्पून राय, 1 टीस्पून कलौंजी और 1/2 टीस्पून मेथी दाना। इसके बाद हम लेंगे 2 बड़े प्याज लेंथ वाइज कटे हुए, इसको मैंने बारीक से काट लिया लेंथ वाइज। अब लेंगे 2 टमाटर डीसीटेड एंड चॉप्ड और 100 ग्राम्स दही, 1/2 कप ऑफ वाटर। एक कुकर में हम लेंगे 4 से 5 बड़े चम्मचे टेबलस्पून ऑफ ऑयल। अब इसमें हम ऐड करेंगे ज़ीरा और राय। राय को थोड़ा स्प्लटर होने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे अपना कलौंजी और मेथी। फिर इसमें हम शामिल करेंगे करी पत्ता, पेली, सूखी लाल मिर्च, थोड़ा सा कलर चेंज होने पर हम इसमें ऐड करेंगे हमारा प्याज। प्याज को अच्छे से सौते करें। अनियन सॉफ्ट होने पर टोमेटोज ऐड करें। टोमेटोज को भी सॉफ्ट होने तक पकाएं। और अब हम इसमें शामिल करेंगे हमारा मैरिनेटेड मटन। मटन को अच्छे से भून लीजिए। भूनने के बाद इसमें ऐड करिए पानी, 1/2 to 3/4 cup of water is enough।
एक बार फिर स्टर करेंगे और इसको ढककर 4 से 5 सीटी या विसल होने तक पकाएंगे। अब देखिए हमारा गोश्त बिल्कुल पककर तैयार हो गया है, बिल्कुल टेंडर और सॉफ्ट हो गया है। अब इस पॉइंट पर हम ऐड करेंगे हमारा 100 ग्राम दही। दही हम लास्ट में ही ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स करें और दही का पानी सूखने तक इसको भूनते जाएं। जब आप देखेंगे कि ऑयल सेपरेट हो गया है मटन से तो आप फ्लेम को ऑफ़ कर दीजिए। फ्लेम को ऑफ करते ही हम इसको डिश आउट कर देंगे। देखिए हमारे अचारी गोश्त तैयार हो गया है और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। मेरी फैमिली में सबको बहुत ज़्यादा पसंद है ये, सबने डिनर पर इसको बहुत एंजॉय किया। आप इसको चिकन के साथ अचारी चिकन भी बना सकते हैं, आलू और दूसरे सब्जियों के